Good morning, students. Today we will start exercise 12.1 of chapter 12, ratio and proportion. So इससे previous videos में हमने exercise 12.1 के question 13 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions, that is question number 14, 15 and 16. Start करते हैं question number 14 से. Divide 20 pens between Sheila and Sangeeta in the ratio of 3:2. क्वेश्चन 14 में क्या बोला है कि 20 पेन्स को डिवाइड करना है शीला और संगीता के बीच में किस रेशियो में 3:2 में. सो देखो रेशियो क्या गिवन है हमें 3:2 गिवन है. इस रेशियो में टर्म्स कितनी है दो टर्म है कौन कौन सी 3 और 2 दोनों का सम कर देंगे तो कितना आएगा 3+2=5. नाउ क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो 20 पेन्स हमें डिवाइड करने हैं शीला और संगीता में वो किस रेशियो में करने हैं 3:2 तो 3 शीला का और 2 संगीता का है. तो नाउ शीला विल गेट शीला को कितना मिलेगा शीला विल गेट 3/5 ऑफ टोटल पेन्स. उस टोटल पेन्स में से 3/5 पार्ट मिलेगा टोटल पेन में से. सो 3/5 इंटू टोटल पेन कितने हैं 20. सॉल्व करेंगे 5 से 20 गया 4 times तो 3 4s are 12 तो इसका मतलब शीला को कितने मिलेंगे 12 pens. फिर है संगीता तो संगीता को कितना मिलेगा संगीता विल गेट कितना पार्ट मिलेगा 2/5 पार्ट ऑफ टोटल पेन्स. तो 2/5 टोटल पेन कितने हैं 20. नाउ 5 से 20 गए अगेन 4 times तो और 2 4 जा कितना होता है 8 तो संगीता को कितने मिलेंगे 8 pens. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर टू डॉटर्स श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस. इफ द एज ऑफ श्रेया इज 15 years एंड एज ऑफ भूमिका इज 12 years फाइंड हाउ मच श्रेया एंड भूमिका विल गेट. क्वेश्चन 15 में हमें क्या बोला है कि मदर जो है वो ₹36 डिवाइड करना चाहती है अपनी दोनों डॉटर्स के बीच में श्रेया और भूमिका के बीच में किस रेशियो में उसकी उनकी एज की रेशियो में. तो अगर श्रेया की एज हमें बोल रखी है 15 years है और एज हमें भूमिका की दे रखी है 12 years है तो हमें बताना है कि श्रेया और भूमिका को कितना मिलेगा ₹36 में से. तो देखो रेशियो निकालेंगे सबसे पहले हम श्रेया और भूमिका की एज का क्योंकि जो मदर है वो ₹36 को डिवाइड करेगी किस रेशियो में उनकी एज के रेशियो में. सो रेशियो ऑफ श्रेया एंड भूमिका एज कितना होगा. देखो एज क्या दे रखी है हमें श्रेया की 15 और भूमिका की दे रखी है 12 तो हम रिड्यूस करेंगे तो 3 5s are 15 एंड 3 4s are 12 तो क्या रेशियो आ गया 5:4. सो हैंस मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 इन द रेशियो 5:4. इस 5:4 में कितने टर्म्स है 2 टर्म्स है कौन कौन सी 5 and 4 दोनों को ऐड कर देंगे 5+4 को ऐड करा तो कितना आया 9. नाउ श्रेया श्रेया को कितना मिलेगा श्रेया विल गेट 5/9 पार्ट ऑफ टोटल मनी. जो टोटल मनी है उसका कितना मिलेगा उसको 5/9 पार्ट. सो 5/9 इंटू टोटल मनी कितना है 36 तो 9 से 36 कितने टाइम्स गया 4 times गया तो 5 4s are 20 तो इसका मतलब श्रेया को कितने रुपीस मिलेंगे 20 rupees मिलेंगे 36 rupees में से. अब हम फाइंड करेंगे कि भूमिका को कितने रुपीस मिलेंगे भूमिका विल गेट कितना पार्ट मिलेगा उसको टोटल मनी का 4/9 पार्ट ऑफ टोटल मनी. सो 4/9 टोटल मनी कितना है 36 है 9 से 36 कितने टाइम्स गया 4 times तो 4 4s are 16 तो 16 rupees तो भूमिका को कितने मिलेंगे 16 rupees. सो देयरफॉर श्रेया विल गेट 20 rupees एंड भूमिका विल गेट 16 rupees. Now let's come to the last question, that is question number 16. Present age of father is 42 years and that of his son is
14 ईयर्स. फाइंड द रेशियो ऑफ, ए में क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन. बी में रेशियो फाइंड करना है एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड. सी एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स. एंड डी एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन द फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड. 16th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, हमें प्रेजेंट एज दे रखी है फादर की 42 ईयर्स एंड उनके सन की दे रखी है 14 ईयर्स. तो हमें रेशियो फाइंड करने हैं. फर्स्ट में हमें ए पार्ट में रेशियो फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन का. बी में हमें रेशियो फाइंड करना है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन का जब सन 12 साल का था. सी में हमें रेशियो फाइंड करना है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स. और डी में हमें रेशियो फाइंड करना है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन जब फादर 30 ईयर्स ओल्ड थे. क्या गिवन है हमें, प्रेजेंट एज गिवन है फादर की 42 ईयर्स, प्रेजेंट एज हमें गिवन है सन की कितनी 14 ईयर्स. तो फर्स्ट ए में हमें फाइंड करना है रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन. तो फादर की प्रेजेंट एज का रेशियो फाइंड करना है और किसका, प्रेजेंट एज ऑफ सन. सो फादर की कितनी है 42 और सन की कितनी है 14. नाउ 14 के टेबल में 42 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स. तो 14 थ्री इज 42 एंड 14 वन सा 14. तो क्या रेशियो आ गया, 3:1. नाउ बी में हमें रेशियो फाइंड करने को बोला था एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन जब सन कितने साल का था, 12 ईयर्स ओल्ड. तो देखो जब सन कितना का था, 12 ईयर्स ओल्ड था आज से 2 साल पहले. अभी तो उसकी प्रेजेंट एज है, अभी की एज कितनी है 14. तो आज से 2 साल पहले वो 12 ईयर्स ओल्ड था. तो फादर की एज अभी कितनी है 42 है. तो वो 2 साल पहले कितने साल के होंगे, 40 ईयर्स ओल्ड. कितने होंगे 40 ईयर्स ओल्ड. तो अब रेशियो फाइंड करेंगे हम. तो रेशियो क्या आएगा फादर और सन का, 40/12. सॉल्व करेंगे इसको. तो ये कितने टाइम जा सकता है, 2 2s 4 0 एंड 2 6s 12. और रिड्यूस हो सकता है, 2 10s 20 एंड 2 3s 6. तो कितना आ गया, 10:3. नाउ सी में हमें रेशियो फाइंड करने को बोला है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स. सो एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स, आज से 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी. देखो प्रेजेंट एज फादर की है 42, तो 10 साल बाद कितनी होगी, 42 में 10 को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 52 ईयर्स. तो मतलब आज से 10 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, 52 ईयर्स. एंड एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, और आफ्टर 10 ईयर्स के बाद सन की एज कितनी होगी, अभी की एज कितनी है उसकी 14, उसमें 10 को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 24 ईयर्स. इसका मतलब जो सन होगा वो 5 साल बाद 24 ईयर्स का होगा. तो हमें रेशियो फाइंड करना था एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स. तो फादर और सन का क्या रेशियो आया आफ्टर 10 ईयर्स का, देखो फादर की एज कितनी होगी 52 और सन की कितनी होगी 24. नाउ रिड्यूस करेंगे, 2 से करते हैं, 2 2s 4 एंड 2 6s 12 एंड ये कितना टाइम्स गया, 12 टाइम्स. वापस 2 से जा सकता है, 2 1s 2 2 3s 6 एंड 2 6s 12. तो कितना रेशियो आ गया, 13:6. डी में हमें क्या रेशियो फाइंड करना था एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड. हमें रेशियो फाइंड करना है एज ऑफ फादर का टू द एज ऑफ सन जब फादर कितने के थे, 30 इयर्स ओल्ड के थे. कितने के फादर, 42 इयर्स ओल्ड के हैं. तो जब वो 30 इयर्स ओल्ड के थे मींस सो 12 इयर्स अगो, 12 साल पहले एज ऑफ फादर वाज 30. 12 साल पहले जो फादर की एज होगी वो कितनी होगी, 30.
सो उस समय सन की एज कितनी होगी? अभी सन की एज है कितनी? 14। 14 में से 12 माइनस करा तो कितना आया? 2। तो उस समय सन कितने का होगा? जब फादर 30 साल के हैं तो सन कितने का होगा? होगा 2 ईयर्स ओल्ड का। तो हमको रेशियो फाइंड करना है एज का फादर और सन की। सो फादर कितने के हुए? 30, और सन 2 करेंगे तो 2 की टेबल में 30 कितने टाइम आता है? 15, और 2 1 2, तो क्या रेशियो आया? 15:1। नाउ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 भी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 डिस्कस करेंगे।